तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिवीर है और आज हम लोग इसका पार्ट टू है सॉल्व करने वाला। तो लास्ट टाइम हमने ये सॉल्व करा था, यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया था इसको। आज हम लोग इस सेकेंड पार्ट को करेंगे। मैंने उस दिन मैंने कुछ तीन चीज़ें आपको नहीं समझाई थी, वो है कॉर्नर पीसेस, एज पीसेस और सेंटर पीसेस। कॉर्नर पीसेस में क्या होता है? कॉर्नर पीस आपका मतलब तीन कलर्स में करते हैं और एज पीस दो कलर्स में, सेंटर पीस एक ही कलर में होते हैं और ये फिक्स होता है, ये हिल नहीं सकता। जैसे कि ये 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 हिल गया कॉर्नर पीसेस, ये सेंटर पीस हिल नहीं सकते। तो चलिए मैं इसको स्क्रैम्बल करके आपको मिलता हूँ। तो मैंने इसको स्क्रैम्बल कर दिया है और अभी हम देखेंगे लास्ट पार्ट वाला कर देता हूँ एक मिनट के लिए। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको वाइट वाला सिखाया था कि कैसे करना होगा, कैसे भी समझाया था कि ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर देना। और ये तो भाई बुरा ही हो गया, तो मैं इसको करके कर लेते हैं हम। और जो कि यहाँ पर एक है जो कि अनवर पास कर सोने को इतना पता भी नहीं है कि तो मैं इतना स्पीड की बनी हूँ। जो हमने यहाँ पर क्रॉस बना लिया, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बोला था कि आपको ऐसे क्रॉस बना लेना है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वाली वीडियो जरूर देख कर आना। यहाँ पर मैंने लास्ट पार्ट कर लिया, जो कि फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट लेयर को कर लिया है। और देख सकते हो मैंने लास्ट पार्ट में ये सब करा था, मैंने मतलब सिखाया था आपको। अभी हम नेक्स्ट इसको इसको मैं बाद में कर दूँगा, मतलब थोड़ा सा सिखा दूँगा बट पूरा मैं थर्ड पार्ट में सिखाऊँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने जो पहली वाली क्लिप पे दिखाया था ना, वो पूरा सॉल्व था, वैसे ही आपका हो जाएगा। मैंने इसको तीन बार सॉल्व किया, तीन बार पटाख से हो चुका। और सबसे पहले अभी इस सेकेंड लेयर को करने के लिए, आपको सेकेंड लेयर को करने के लिए आपको एक वीडियो येलो एज थमना है, ये एज थमना है बट विदाउट येलो। ठीक है, ये येलो है, ये येलो नो येलो मतलब थर्ड लेयर में चेक करिए, मतलब ये वाइट है तो एकदम नीचे वाले में, यानी कि ये येलो येलो में तो साइड वाइज में, मतलब साइड वाइज यहाँ पर इस वाले जगह पे आप एक एज पीस ढूंढिए, मतलब ये वाला पीस में। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला पीस ढूंढिए बट उसके नीचे येलो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये है, ये ऑरेंज और ग्रीन है, तो मैं इसको ये जो है ना इसको मैं ऑरेंज, इस ये ऑरेंज है तो मैं इसको ऑरेंज के साथ मिलाऊंगा। देन अभी हमें इसको यहाँ पर बीच में चाहिए, सॉरी ये तो रेड है, हाँ इस पर बीच में चाहिए ये वाला। तो इसके बीच में आने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ग्रीन के मिडल में आना चाहिए। मैं ब्लू के मिडल में बोल रहा था, सॉरी, कि ग्रीन और ऑरेंज के मिडल में आना चाहिए, ऑरेंज के मिडल में आना चाहिए। सो अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ बट हाँ ठीक है। तो ये ग्रीन है, इसके ऑपोजिट साइड, इसके ऑपोजिट साइड यानी कि इधर ब्लू में गिराना है। यार क्या होगा, हाँ ये ब्लू में है, इसको यहाँ पर ले जाना है इस वाले को, सॉरी इस वाले को। देन
फिर से एक बार जाएंगे ग्रीन वाले में, ग्रीन वाले साइड वाले में, और इसको यहाँ पर, अच्छा फॉफ का ये है, फॉफ का ये है ग्रीन, तो आपको इसका ऑपोजिट साइड में इसको ग्रीन को लेना पड़ेगा। फॉफ का ये है ब्लू और ये है ग्रीन, तो यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट साइड पे करना पड़ेगा आपको, ऑपोजिट साइड। अभी क्या करना है आपको, ये हमने ऑपोजिट साइड में ऐसे घुरा दिया, तो इसको हमें ऑपोजिट साइड में, मतलब देखिए ऐसे घुराया, मतलब ऐसे कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे घुराया, इसको यहाँ पर घुरा, ऐसे घुराया, ये यहाँ पर आ गया देखिएगा, और इसको हम फिर से एक बार रिट्रैक कर देंगे, ऐसा हो गया, ये ख़राब हो गया, तो हमें इसको फिर से करना है। ये रहा वो पहला पीस, तो इसको मैंने बोला था कि इसका ऑपोजिट साइड में आपको करना है, सॉरी इसके ऑपोजिट साइड में आपको करना है, इसको फिर से हम लगा देंगे ऐसे करके, और यहाँ पर आप देख सकते हो मिडल में आ चुके हैं, ये फेक नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने वाला भी नहीं हूँ, सो इसलिए मैं इतना अच्छे से कर नहीं सकता, मैं बिल्कुल रील बोल रहा हूँ, बट आपको सब समझ में नहीं आ सकता है और मेरी बात हर खराब। हाँ, और यहाँ पर हमने एक और पीस ढूंढ लिया ऐसा, इसको ब्लू के साथ मिला लिया मैंने, और ये है रेड, जिस हमको ऑरेंज, उसको हम ऑरेंज भी मिलाएंगे। अब देखिए लास्ट टाइम हमने ऐसे करा था ना, इधर करा था, अभी अभी भी मैं करेंगे, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम इसके ऑपोजिट साइड मतलब ये वाला करें, हाँ ये यहाँ पर करेंगे ब्लू के लिए, रेड ब्लू दन वही सेम टॉप, वही सेम इसको हम फिर से आप मिलाएंगे, इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, इसको हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर, आप देख सकते हो ये ब्लू और रेड बन चुका है। ऐसे करते करते आपको करना है रेड, रेड वाला मतलब काफ़ी कुछ करना बाकी है, ऐसे ही करना है आपको, मतलब सारा सारे पीसेस, सारे पीसेस आपको ऐसे ही करने हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको थोड़ा सा सिखा दिया है कि कैसे करना है इसको, अभी देख सकते हो ये टू सेकेंड वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा थर्ड को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम लकी केसेस होते हैं। सबसे पहले आपका एक यहाँ पर मेरे जैसा एक डॉट होगा, मेरा डॉट नहीं है, मेरा एक एल है, मतलब एजेस का एल है, बट आपका एक डॉट भी हो सकता है, मतलब नो एज, मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक खाली डॉट। और यहाँ पर कॉर्नर पीसेस की अभी के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, नो। सो अभी इसको यहाँ पर ऐसे है मेरा एल, और सेकंड है मेरा एल, जैसे कि आप देख सकते हो एल। थर्ड है एक लाइन, एक लाइन मतलब एक लाइन होगा यहाँ पर। सो इस लाइन ने मैं आप तक और फूड कीस होगा, यहाँ पर एक येलो होगा, यहाँ पर एक येलो होगा, यहाँ पर एक येलो होगा, एक यहाँ पर एक येलो होगा, क्योंकि एक्सट्रीमली लकी है। तो हम डॉट पे क्या करना है, डॉट एल मतलब वो जो तीन केसेस मैंने बताए थे ना, डॉट हो सकता है आपका, एल हो सकता है आपका, लाइन हो सकता है आपका, इन तीनों पे ही एक ही मेथड यूज होगा, जो कि है ये, इसको आपको मतलब डॉट होने से आप कुछ भी कोई भी साइन ले लो और ये वाला मेथड करें। मेरा एल है, तो अगर आपका भी एल है तो मेरा वाला मेथड करिए। तो इसको एल है फ्रंट अप, सॉरी मैं भूल कर रहा हूँ,
जैसे मेरा ये एल है तो इसको आपको यहाँ पर ऐसे करना, मैं ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एल है, इसको आपको फ्रंट पे लाना, इसको आपको ऐसे 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 लाना। आपको सिलाना है तो आपका एक लाइन बिल्ड हो जाएगी और डॉट है तो एक एल बिल्ड हो जाएगा। मतलब ये दोनों केसेस में काम कर, तीनों केसेस में ही काम करेगी। अब आपका जब जब तक एल ये नियम नहीं आता है तो वही मेथड यूज़ करिए ऐसे ऐसे करके, वही मेथड यूज़ करिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। लो मेरा क्रॉस भी बन चुका है। मतलब तीन चारों में एक ही मेथड काम करेगा। अब आपको यहाँ पर ऑरेंज देख सकते हो, ऑरेंज ऑरेंज मिल रहा है, रेड रेड में मिल रहा है, पर ये ऑपोजिट साइड में है। तो अगर आपका भी ऑपोजिट साइड में हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले इन दोनों ऑपोजिट साइड्स में यहाँ पर साइड में ऐसे कर लीजिए, इसको टर्न, यहाँ पर ऑपोजिट साइड नहीं मिल रहा। और अभी ये वाला क्या करना, ऐसे इसको नीचे खींचेगा, इसको ऐसे, इसको इसको ऐसे, इसको दब टू टाइम्स नहीं मिल जाएगा। इसको फिर हम ठीक करेंगे। अब देख सकते हैं अब हम इसको मिलाएंगे ग्रीन 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 को ग्रीन के साथ, रेड ग्रीन ग्रीन के साथ मिल चुका है, और हाँ रेड ब्लू के साथ मिल चुका है, रेड ब्लू। ये दोनों एच पीसेस में मिल चुके हैं, बट ये दोनों अनमैच्ड हो गए हैं, अनमैच्ड। तो इसके लिए आपको फिर से वही है करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे पकड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको राइट में होना चाहिए एक सॉल्ड पीस, मतलब आपके राइट में होना चाहिए एक सॉल्ड पीस और एक फ्रंट में होना चाहिए सॉल्ड पीस। देन आपको क्या करना है, ये मैं इस मेथड को ध्यान से देखिएगा और वही सेम मेथड को आपको करना है। यस ये आप देख सकते हो, हम ग्रीन ग्रीन को मिलाएंगे, ऑरेंज ऑरेंज को मिल रहा है, ग्रीन रेड ब्लू ब्लू को ब्लू ब्लू को मिल रहा है, ऑरेंज ऑरेंज को मिल रहा है, ग्रीन ग्रीन को मिल रहा है, रेड रेड को मिल रहा है। और यहाँ पर हमें क्रॉस भी बन चुका है अच्छे से। अब हमें कॉर्नर पीसेस, इन कॉर्नर पीसेस को करना है। अब कॉर्नर पीसेस को करने के लिए आपको ये वाला मेथड थोड़ा देर के थोड़ी देर के लिए आपको करता ही रहना पड़ेगा, करता ही रहना पड़ेगा। सो देखिए अभी मेरे पास कोई सॉल्व पीस नहीं है, मैं ये राइट में हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे करेंगे, इसको इसको ऐसे करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको फिर से ठीक करेंगे, और एक हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो ये ना, आप सुनो ये और ये, मतलब ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर एक ब्लू का भी है, मतलब एक ब्लू भी है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको वही सेम ही करना है मतलब आपको, बट ये इस पर करना है, मतलब आपको ये यहाँ पर होना चाहिए, ये साइड में होना चाहिए, ये ऊपर के होना चाहिए। तो सबसे वही मेथड, वही मेथड, सेम मेथड। और आप देख सकते हो ये टू स्टेट भी हो चुका, मतलब ये हो भी चुका है, मतलब देख सकते हो, और ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। अगर आपका ये दोनों हो चुके हैं तो ठीक है, पर अगर आपका नहीं होता है तो वही सेम कहीं यहाँ पर एक ढूंढिए, वही सेम मेथड, मतलब ठीक है।
अगर आपके हो चुके तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलमोस्ट क्यूब को सॉल्व कर चुके हों। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट है जो कि सबसे ईजीएस्ट पार्ट भी है, बट थोड़ा मैं याद भी नहीं रख पाता। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर इसको डाउन करेंगे, इसको ऐसे 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 करेंगे, इसको ऐसे। देन हम हो चुका है यहाँ पर। तो अभी आके देख सकते हो ये हो चुका है आपका कंप्लीटेड, ये देख सकते हो आप। तो आज की वीडियो में मेरे साथ इतना ही, और मैं आपको देता हूँ शुक, मैं आपको देता हूँ बाय बाय। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पूरा फुल चल चुका है। बाय बाय, see you in my next video.